सो हे पीपल, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ राहा व्लॉग्स। और अब राहा व्लॉग्स में आपको देखने को मिलेगा मेरा नायका हॉल। बेसिकली मैंने क्या क्या नायका से मंगवाया है, क्या क्या चीज़ें आई हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। मैंने ऑर्डर करा था ये ऑन थर्सडे और यू कैन से फ्राइडे, और आज सैटरडे तक आ ही गया। थर्सडे नाइट को ऑर्डर करा था और मेरे पास दो पार्सल रिसीव हुए हैं, पिंक बॉक्स एंड दिस वन। लेट्स चेक कि क्या क्या आया है मेरे नायका के इस बार, इस महीने के पार्सल में। एंड ऑल थैंक्स टू, ऑल क्रेडिट गोज़ टू माई फादर जो मेरे को पैम्परिंग वगैरह कराते हैं। सो मेरे पापा ने मेरे को ऑर्डर करके दिया, क्योंकि पापा के साथ मेरा एक पैक्ट साइन हो रखा है, पापा मेरा शैम्पू वैम्पू ऑर्डर कर दिया करो। सो बेसिकली अब मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम ये वाला पार्सल ओपन कर रहे हैं। यार मेरा कटर कुटर गुम हो गया सर, तो मैं इन ऐसा नाली करते हैं हम अपना वंशिका की हल्की खेल से। वंशिका मेरी बहन गेम खेल रही है उधर, उसको हम कैप्चर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ गेम हो रही है, गेम नहीं खेल रही है। इधर आएंगे, देखो जी सबसे पहले इसमें से निकला बिल जो पापा ने भरा। पहली चीज़ आती है हमारे पास, वंशिका क्या क्या आ रहा था देखा दियो यार ज़रा तू भी। लोगों के भाई बहनों ने व्लॉगिंग करने में सपोर्ट करते हैं। नन्नू तो मेरा व्लॉग एडिट यहाँ पे बना रहा है, और यहाँ देख लो ये आई है फॉरएवर 52 की 4-in-1 कंसीलर पैलेट। अभी मैंने मेकअप सीखा था ना कनिका दीदी से, तो कनिका दीदी से ना मैंने पूछा भी था कि कौन से ब्रांड की सारी चीज़ें ऑर्डर करूँ और किस पे बेस्ट रहेगा। दीदी के पास तो फॉरएवर 52 की बहुत बड़ी पैलेट थी, पर दीदी ने कहा था कि आपके नॉर्मल डे टू डे यूज़ में कर सकते हो। आपने जो देखा ना छिलका हुआ डस्टबिन है, तो वहाँ से जा रहा सीधा ये सोचो बैठ के नीचे फेंक रही हूँ, फिर फेंक भी रही हूँ तो इकट्ठा हो जाएगा। ये री पैलेट यार ये देखियो थोड़ी ऐसी आई है, देखो ये थोड़ी ना इधर माल पानी इकट्ठा इधर हो रखा है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, पर कोई बात नहीं, फोटो खींच के रिपोर्ट डाल दें। बताओ यार फॉरएवर 52 वाले भी क्या करके दे रहे हैं, गर्मियाँ तो मेल्ट हो जाएगी चीज़ें। फिर नेक्स्ट आती है हमारे पास खाली पेपर, आप आ जाओ। सबसे पहले आया ये मेकअप रिमूवर वाटर, देन हमारे पास आया ये के ब्यूटी की ना हमने ऑर्डर करी थी लिप पेंसिल, क्योंकि मेरे पास लिप पेंसिल नहीं थी। अगेन ये मैंने अपने मेकअप कोर्स में सीखा था कि एक लिप पेंसिल होनी चाहिए। बहन इसको खोल जल्दी अगे फिर ऑडियंस को दिखाएंगे। फिर एक आया हमारे पास के ब्यूटी का लिप टेंट रोजमेरी वाला, ये ग्लॉस वाला टिंट था। वंशु की और मेरी डिसीजन ये है कि हम दोनों यहाँ वाले नायका पर जाके जो भी लिप शेड परचेज करनी होगी वो करेंगे। कुछ टिंट वेंट अच्छे लाए थे, जैसे कि आप अपने लिप शेड लगा सकते हो, मैं यहाँ लगा के दिखाती हूँ। भाई फोकस करना यहाँ पे थोड़ा, ये आपके लिप शेड पर शाइन देने के लिए लिप टिंट अच्छा है ये, देख वंशु अच्छा है। फिर हम आते हैं यहाँ पे, मैं जिसको दिखा रही हूँ ना मेरी चाची की बेटी, इसी के साथ बैठ के हम शॉपिंग कर रहे थे। अब हम देखते हैं हमारी लग्जरी वाली शॉपिंग इसके अंदर क्या क्या है। यार ये खुल नहीं रहा, लोग ऐसे 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 करके खोलते हैं। एक गेम है ये रहा, काला डब्बा, देन आएंगे। अगेन थैंक्स टू माय फादर। इसके अंदर आया है मेरा ब्यूटी किट, आपको बताती हूँ क्या क्या है। इसमें आया मेरा शैम्पू, गाइज आई ओनली यूज ओलाप्लेक्स, लाइक ओलाप्लेक्स इज हेवन फॉर मी। इधर आते हैं बॉन्ड मेंटेनेंस शैम्पू ओलाप्लेक्स, ये आ गया हमारे पास अगर आप देखोगे तो। ये मैं अपनी बॉटल में रिफ़िल करूँगी ना, आई गेस मैंने गलती से छोटा साइज ऑर्डर कर दिया, मुझे एक और बार ऑर्डर करना पड़ेगा। फिर हम इधर आते हैं, यहाँ पे हमारे पास आई है यहाँ पे लनेज की क्रीम, सॉरी ये हमारा है टोनर एंड मॉइस्चराइज़र, ये भी सेम होगा आई गेस, टोनर मॉइस्चराइज़र दोनों चीज़ें। और ये आया है हमारे पास स्लीपिंग मास्क, तो एक ये किट आई है हमारे पास। अब आप ये देख सकते हो कि
मेन क्या चीज़ है कि यार हमारे पास ना ये लैनेज के जो भी प्रोडक्ट्स है ना, मैं यूज़ कर रही थी ऑलरेडी, और इस बार मैंने समर वाले यूज़ कर रही हूँ, और इनसे काफ़ी मेरी स्किन इम्प्रूव भी हुई है, और इस बार हम ये भी ट्राई कर रहे हैं। तो चेक करते हैं कि ये इतने लग्जरी वाले प्रोडक्ट जो आए हैं तो कैसा जाएगा। देखा इसको कैप्चर कर जरा बीच में, अरे वो मेरे को सेशन लेना, गेम खेल रही है। मैं कह रही हूँ अभी मैं ऑफलाइन सेशन ले रही हूँ, मेरे लिए कल तक के लिए कॉन्टेंट रूम क्या बना रही हूँ। डिजिटल मार्केटर लगता है, भाड़े पर रखी हुई है। आपको मैं नाइट क्रीम दिखाती हूँ, थोड़ी थोड़ी देखने सर। एक इस पर मत लेके जाइए, उसको पसंद नहीं आऊंगा ना। हल्की सी देखो स्किन पे लगा के देख ली, हाइड्रो बूस्ट जेल काइंड ऑफ क्वालिटी है इसकी, लाइट लगती है स्किन पे एंड शाइन के लिए भी है थोड़ी। तो चेक करते हैं, स्लीपिंग मास्क है। अब इसका क्या रिव्यू रहेगा पता चलेगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे, ये था मेरा नाइकर का हॉल। हाँ लेकिन मैं आपको लिप पेंसिल भी दिखा देती हूँ जो मेरे से खुल नहीं रही थी। ये रही मेरी लिप लाइनर, देखो अगर मैं यहाँ चला के दिखाऊँ तो दिख नहीं रही होगी, गिरत यहाँ दिखाई मैं नस पे दिखा। ये देखो ये कुछ चीज़ें थी जो मेरी रहती थी तो मैंने ऑर्डर करी है, उसमें से मुझे जो सबसे अच्छी लगी है ये लगी है। मेरे न्यू प्रोडक्ट्स लगे हैं और ये काम की चीज़ें आ रखी हैं जो स्किन केयर की आ रखी हैं। इधर दिखाओ मेरे को एक बार। बाय द वे ना, मैंने इस बॉटल की बड़ी तारीफ सुनी थी, टोनर एंड मॉइस्चराइजर वाली बॉटल। अब ना मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, फ्लो फ्लो में ना मेरे से दो क्वांटिटी में चीज़ें ऑर्डर हो गई थी, तो तभी ये दो बार आ गई हैं चीज़ें। बट नो वरीज, अच्छे ब्रांड की आई है तो हम यूज़ कर सकते हैं। भगवान भी चाहता था कि हम प्रीमियम ब्रांड लगाएं, हमने वही यूज़ कर रहे हैं। सब चेक करते हैं, इसका रिव्यू बताऊँगी मैं। ये है लैनेज की क्रीम स्किन सेरा पेप्टाइड टोनर एंड मॉइस्चराइजर हाइड्रेंट, एंड ये लगा लो, इसके अंदर टोनर भी है मॉइस्चराइजर भी। काफ़ी 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 तारीफें सुनी है, तो देखेंगे इसका क्या रिव्यू रहा। ओ एंडिंग दिस व्लॉग हेयर। सो जो मेरा ओवरऑल रिव्यू है ना यार, आप लोगों को अपने स्किन केयर पे और आप लोगों को अपने हेयर केयर पे ज़्यादा से ज़्यादा खर्चना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोकल प्रोडक्ट लोगे आपकी स्किन वैसे ख़राब हो जाएगी केमिकल बेस्ड। तो अगर आप जितना क्या कहते हैं अच्छे प्रोडक्ट्स लोगे तो बेटर रहेगा। तो अभी मैंने जो ये प्रोडक्ट लिए हैं पूरे अच्छे तरीके से रिसर्च करी है, वो प्रोडक्ट लो जिसके अंदर फ्रेगनेंस ना हो, जिसके अंदर ये लगा लो, चेक भी करो कि अल्कोहल की कितनी मात्रा है। सो मेरी तो जो एक सिस्टर है मैं उससे भी चेक करवा लेती हूँ और मेरे को खुद भी चेक करना आ गया। तो सबसे पहले आप हमेशा कोई भी प्रोडक्ट लो ना, उसके इंग्रेडिएंट ज़रूर चेक करना, और फ्रेगनेंस फ्री जो प्रोडक्ट हो ना तो वही यूज़ करना। सो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ये मेरा छोटा सा नायका हॉल था जो मैंने मंगवाया, और इसको हम चलाएंगे अप्रॉक्स 3 महीने। शैम्पू जल्दी ख़त्म हो जाता है, शैम्पू में ओलाप्लेक्स का यूज़ करती हूँ क्योंकि यार उससे बढ़िया कोई शैम्पू नहीं है। सो अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। और यही शैम्पू मैंने अपनी बहन को भी रिकमेंड कर रखा है जो मेरे साथ बैठी हुई है, चाची की बेटी को, ये भी ये यूज़ करती है। तो अगर आपको व्लॉग्स मेरे अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना, शेयर करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप अपडेटिंग।